ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा अनुभूत वशीकरण मोहिनी मंत्र जो कि किसी भी स्त्री पुरुष को देखते ही देखते आपके वशीभूत कर देगा। और ये उन मंत्रों में आता है जो कि कभी विफल नहीं होते। यदि एक बार किसी पर लगा दिए जाए तो समझिए वो दिन रात बस आप ही की माला जपेगा। मेरे बहुत से साधक हैं, बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो कि दिन रात मंत्रों का गुंफन करते रहते हैं और उन्हें के अथक प्रयास से आज ये मोहिनी मंत्र मैं आपको दे पा रहा हूँ। बहुत से रिसर्च हुए हैं, बहुत से ऐसे अनुष्ठान हुए हैं जिनमें कि इस मंत्र का प्रयोग हुआ है और उसके बाद जो घटक मिले हैं, जो योग आए हैं, उसके आधार पर ये मंत्र आज आपको दिया जा रहा है। ये इतना पावरफुल है कि पहले ही दिन से सामने वाले को आपके सामने नतमस्तक कर देगा। यदि आप चाहते हैं किसी को अपने अधीन करना, किसी को अपना गुलाम बनाना, आप कहें बैठे तो सामने वाला बैठे, आप कहें उठो तो सामने वाला उठे, यहाँ तक कि अगर आप दिन को रात कहेंगे तो वो दिन को रात कहेगा। इतना बेचैन कर देने वाला मोहिनी मंत्र जो कि यदि जो साध्य है वो आपको ना देखे तो रोने बिलखने लगेगा। बहुत ही खतरनाक मोहिनी मंत्र जो कि कुछ ही क्षणों में काम कर जाता है। और यदि आप साधक हैं, आप जानते हैं मंत्र कैसे चलाते हैं, तो फिर तो सोने पर सुहागा है। ये मंत्र आपके लिए एक वरदान साबित होगा। कभी भी मोहिनी मंत्र का किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें। ये जितने भी मंत्र हैं ये मैं इसलिए देता हूँ ताकि मधुरता बढ़ सके, किसी के रिश्तों में मिठास आ सके। लेकिन बात वही होती है कि जो कुआं होता है वो नदी का मीठा जल जो है पीने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग यदि कुएं में डूब जाएं, नदी में डूब जाएं, तो इसमें नदी की तो कोई गलती नहीं, कुएं की तो कोई गलती नहीं। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो मेरा बस इतना सा अनुग्रह है कि कभी भी किसी अनुचित काम के लिए इन शक्तियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि यदि ये आपका काम बना सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं। और कई मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि तंत्र का टी भी नहीं जानते और बड़ी बड़ी व्याख्या दे देते हैं, मुझे ही समझाने लग जाते हैं। तो हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि ये चीज़ें उनके लिए नहीं है, इनका प्रयोग ना करें। ये सिर्फ उनके लिए है जो तत्वजीवी हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, अन्यथा आम जनता के लिए ये कोरी कल्पना ही होगी। जो साधक गण है, जो अपना जीवन इसमें लगाते हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये अमृत है। लेकिन जो नए नए तांत्रिक बने होते हैं, नए नए गुरु बने होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये लेवल कुछ ऐसा है जैसे कि इसके बाद अंत है, इसके बाद कुछ भी नहीं बच जाता। तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले LKG वाले बच्चे यहाँ पर ना आए, ये सिर्फ एडवांस लेवल वालों के लिए है। तो जो भी साधक गण इसका प्रयोग करना चाहे वो किसी शुभ मुहूर्त पर, जैसे होली, दिवाली या फिर कोई भी ऐसी तिथि आए, कोई ऐसा शुभ नक्षत्र आए, उस पर इसको सिद्ध कर ले। सिद्ध करने की इसकी संख्या रहेगी 300 बार इस मोहिनी मंत्र को आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले इसे रट लीजिए और ऐसे रट लीजिए कि मैं अगर नींद में भी पूछूं तो मंत्र आपको याद होना चाहिए। जब ऐसा इस पर आप कमांड कर लें, ऐसी कमांड कर लें कि सोते हुए भी अगर मैं पूछ लूँ तो आप इसको बोल सकें, अगर नींद में भी आपको उठाकर पूछा जाए तो मंत्र आपको याद रहे, ऐसा अगर हो जाए तभी आगे बढ़िएगा। क्योंकि आपका गुम्फन अगर ख़राब हुआ, अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं दिक्कत हुई,
तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। मंत्र बहुत बड़ा है और इसको याद करने के बाद ही प्रयोग में लाइएगा। तो चलिए मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी स्क्रीन पर दिया कीजिए, तो आपसे जो है मैं कोशिश करूँगा कि हर बार जो भी मंत्र होगा उसको आपकी स्क्रीन पर दिया जाए, क्योंकि मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट, बहुत से लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि गुरुजी मंत्र को लिख कर दिया कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मंत्र लिख कर दे सकूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है मोहिनी मंत्र, मोहन मोहन क्या करे, मोहन मेरा नाम, भीत पर तो देवी खड़ी, मोहो सारा गाम, राजा मोहो प्रजा मोहो, मोहो गणपत राय, 33 कोटि देवता मोहो, नर लोक कहाँ जाए, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की, नैना योगिनी कामरूप कमक्षा की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मंत्र है ये दुहाई मंत्र है और इसमें जो है महादेव और गौरा पार्वती की दुहाई दी गई है। दुहाई मंत्र में क्या होता है कि जिस देवता की दुहाई दी जाती है वो शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं और आपका काम बनाने में वो तत्पर रहती हैं। यदि किसी देवी देवता की दुहाई दी जाती है तो उस मंत्र के पीछे वही देवी देवता जो है काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जिन जिन की दुहाई दी गई है ये शक्तियाँ ऐसी हैं कि पल भर में आपका काम बना दें। अगर ये शक्तियाँ चाहें, यदि इनको आप प्रसन्न कर लें, तो पूरी ज़िंदगी भर, पूरी उम्र भर आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ये पहले ही आपका काम बनाते ही चली जाएंगी। तो मंत्र को किस तरह से करना है, होली दिवाली ग्रहण काल, इन पर जो है आपको 300 बार इसको जप लेना है और अच्छी तरह से इसको याद करके उसके बाद ही जपना शुरू कीजिएगा। जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व की तरफ, आपका मुख होना चाहिए, रंग रहेगा लाल, लाल वस्त्र, और कोई भी ऐसा एकांत हो जहाँ पर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बीहड़ हो, कोई जंगल हो, कोई वन क्षेत्र हो या फिर पहाड़ हो, उन पर एक एकांत स्थान ढूंढिए और वहाँ पर जाकर अपना आसन लगा लीजिए, अपना बंधन कीजिए, कीलन कीजिए और उसके बाद अपने इष्ट से, अपने ग्राम देवता से, अपने कुल देवता से आज्ञा लीजिए कि मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें और अपना सुरक्षा घेरा बनाएं ताकि कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी अगर वहाँ पर हो तो वह आपको बीच में विचलित ना कर सके। आपने देखा होगा कि जब राम जी जो हैं माता सीता को छोड़कर वन की तरफ जाते थे तो वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा बना दी जाती थी, तो जो है वो एक सुरक्षा घेरा ही होता था, इसके भीतर कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है एंटर नहीं कर पाती। ठीक उसी प्रकार आपको भी एक सुरक्षा घेरा बनाना है, उसके बाद जो है कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपका अहित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जो साध्य की शक्तियाँ होती हैं वो बीच में आ जाती हैं और वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए एक बार अवश्य सुरक्षा घेरा बनाएं और उसके बाद इसकी चैंटिंग शुरू कर दें। जब 300 बार कंप्लीट हो जाए तो आपका जो ये मोहिनी मंत्र है ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद जब भी आपको आपका साध्य दिखे बस उसकी तरफ देखकर एक बार फूंक मार दीजिए और फिर देखिए किस तरह से ये मोहिनी जो है अपना काम करती है। देखते ही देखते सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। आपने जो भी ख्याल अपने मन में रखे होंगे उस समय जब आप मंत्र कर रहे थे, जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आप चाहते थे, वो सब फलित होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना चमत्कारी मंत्र है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाने शुरू कर देता है। मैंने लाखों लोगों पर ये मंत्र आजमाया है, उसके बाद आपको दे रहा हूँ। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हो, कुछ समझना हो या फिर कुछ ऐसा
जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता वो आपको पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9992841625 पर, वहाँ पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और मेरा जो ईमेल आईडी है वो है info@mohiniwidya.com। आप यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।